शालोम, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ या फिर बात करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा नहीं पाने का कारण क्या है या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पाने का कारण क्या है। लोग आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों नहीं हो पा रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर क्यों नहीं रहे हैं, आज मैं कुछ कारण जो है, रीजन जो है, आपको बताऊंगा। सबसे पहला रीजन है संदेह करना। याकूब ने कहा है कि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है। तो सबसे पहला रीजन है संदेह नहीं करना है, पवित्र आत्मा पर संदेह नहीं करना है, पवित्र आत्मा के वरदानों पर संदेह नहीं करना है, अन्य अन्य भाषा जो वरदान है, दान है, चिन्ह है, उस पर जो है उंगली नहीं उठाना है, सवाल नहीं करना है। तो संदेह नहीं करना है सबसे पहला रीजन है, पवित्र आत्मा ना पाने का कारण जो है संदेह। सेकंड, विरोध करने के कारण। पवित्र आत्मा का विरोध करने के कारण, उसके लिए एक वचन है जो इस्तुफनिस ने कहा है, प्रेरित 7:51 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हे हठीले मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते रहे हो, जैसा तुम्हारे पूर्वज करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। तुम्हारे पूर्वजों ने नबियों में से किसको नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा का विरोध, जैसा तुम्हारे बाप दादों ने पवित्र आत्मा का विरोध किया, आज अन्य जाति नहीं, कलीसिया पवित्र आत्मा का विरोध करती है, चर्च कलीसिया का विरोध करती है, संस्था कलीसिया का विरोध जो है पवित्र आत्मा का विरोध करती है, बाहर के लोग नहीं, बाहर के लोग पवित्र आत्मा का विरोध नहीं कर रहे हैं, सेवक कलीसिया संस्था वे पवित्र आत्मा का विरोध कर रही है, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों पर लोगों का विरोध कर रही है, आज संस्था जो है वे विरोध कर रहे हैं पवित्र आत्मा का, अन्य जाति नहीं, अविश्वासी लोग नहीं, बहुत सारे पारंपरिक चर्च जो है, ईसाई धर्म के मानने वाले जिनका बाप दादा खानदान जो है मसीही था, वो लोग नहीं मानते थे तो आज भी नहीं मानेंगे। तो आज जो है पारंपरिक चर्च जो है वे लोग पवित्र आत्मा का दान को नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, अन्य भाषा बोलने वालों का मजाक उड़ाते हैं, तो उनको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता। कहने का मतलब, पवित्र आत्मा का विरोध करने वाले, पवित्र आत्मा का वरदानों का विरोध करने वाले, अन्य भाषा का विरोध करने वालों के लिए जो है पवित्र आत्मा का दान नहीं है, बाइबल कहता है, जो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। उसके बाद हट करने के कारण, तो यहां पर एक वचन है पहला शमूएल में, आप पढ़ सकते हैं पहला शमूएल 15:23 में, कि हट करने वाले, जिद करने वाले, जलन रखने वाले, उनके लिए पवित्र आत्मा का दान नहीं है। उसके बाद गलत शिक्षा के कारण, जो लोग गलत शिक्षा में चल रहे हैं या गलत शिक्षा को मान रहे हैं, उनका एक सबसे बड़ा रीजन है कि गलत जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी वे लोग जो है पवित्र आत्मा का जो चिन्ह है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं गलत शिक्षा के कारण, गलत संगति के कारण, गलत चर्च के कारण वे लोग आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पा रहे हैं, तो अन्य भाषा कहां से बोलेंगे। उसके बाद कुछ लोग जो है पवित्र आत्मा का दान इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि शिक्षा नहीं पाए उन्होंने, क्योंकि कलीसिया शिक्षा नहीं देती है, चर्च आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के विषय में बात नहीं करती है, आज बहुत सारा चर्च है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बात नहीं करती है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, लेकिन आज चर्च चुपचाप है, पवित्र आत्मा का दान के विषय में प्रचार नहीं करती, शिक्षा नहीं देती है, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना है उसके विषय में शिक्षा नहीं देती है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के विषय में शिक्षा नहीं देती है। जो लोग कहते हैं अन्य भाषा बोलना जो है गलत है, उनको मैं कहना चाहता हूं, पौलुस ने 1 अध्याय पूरा लिख दिया उनके लिए, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय पूरा लिख दिया उनके लिए, ऐसे झूठे लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए पौलुस ने 1 चैप्टर लिखा है ताकि उनको समझ आए कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना भी है।
उसके बाद बहुत लोग अपने आप को योग्य नहीं जानते हैं, जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहते हैं, मैं कमजोर हूं, मेरा विश्वास कमजोर है, मेरा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। यीशु का लहू हमें योग्य बनाता है, हमारा परिश्रम नहीं, हमारा मेहनत नहीं, हमारी योग्यता नहीं, यीशु का लहू आपको योग्य बनाता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए। और कोई योग्यता नहीं है, यीशु का लहू आपको योग्य बनाता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए। इसलिए अपने आप को कोसना बंद कीजिए और धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अपना दान आपके जीवन में उंडेलेगा। यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। उसके बाद बहुत लोग पवित्र आत्मा का दान इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं कि बस एक विद्वान की तरह हमने BTH कर लिया, CTH कर लिया, हमारा पास्टर काफी हमारे लिए, हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। वे पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं। वे लोग अपनी कहानी सुनाते रहते हैं सिर्फ, वे अपने आप को बहुत धर्मी जानते हैं, ज्ञानी समझते हैं, यहूदी के समान, यूनानी के समान, लेकिन पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, उसकी भरपूरी पर विश्वास नहीं करते हैं, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने पर विश्वास नहीं करते हैं। तो बहुत लोग धर्मी समझते हैं अपने आप को कि बस विश्वास कर लिया काफी है, स्वर्ग जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कुछ नहीं होता है। उसके बाद बहुत लोग आवश्यकता नहीं जानते, अरे जरूरी नहीं है साहब, विश्वास कर दिया काफी है, जरूरी नहीं है, विश्वास करने से तो हो गया। तो बहुत लोग जरूरी नहीं समझते हैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा पाना। उसके बाद बहुत लोग अनदेखा भी करते रहते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में पता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, फिर भी अनदेखा करते रहते हैं, जिंदगी भर इग्नोर करते रहते हैं पवित्र आत्मा के काम को, वरदान को और अन्य अन्य भाषा बोलने वालों को। देखिए, अन्य अन्य भाषा में बोलने का लाइसेंस सेवकों ने नहीं ले रखा है, हर एक विश्वास करने वाला अन्य अन्य भाषा में बोलेगा। यह सिर्फ सेवक और प्रॉफिट के लिए नहीं है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए है, जिनको यीशु ने अपने लहू से खरीदा है वे सब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। इसलिए निडर होकर प्रार्थना कीजिए, मांगिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे, प्रभु आपको देगा, आमीन। और किसी का इंतजार मत कीजिए। उसके बाद बहुत लोग पाप करते रहते हैं, पाप में गिरते रहने के कारण आज तक उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। आज पाप करेंगे, रात को सोने से पहले पश्चाताप कर लेंगे, फिर कल पाप करेंगे, फिर सोने से पहले पश्चाताप कर लेंगे। तो बार बार पश्चाताप करने वालों के लिए, बार बार पाप में गिरते रहने वालों के लिए पवित्र आत्मा का दान नहीं है। जब आप बिना पवित्र आत्मा पाए पाप कर रहे हैं तो क्या पाप करने के बाद बार बार पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे? ऐसा नहीं है। तो बार बार पाप करना छोड़कर धन्यवाद और धन्यवाद और प्रार्थना में लगे रहिए, प्रभु का आत्मा आपके जीवन को बदल देगा। उसके बाद बहुत लोग पवित्र आत्मा अन्य भाषा जो है, अन्य भाषा को अवहेलना, निरर्थक जानते हैं कि अन्य अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तब आपकी बुद्धि काम नहीं देती है, ये तो पागलपन जैसा भाषा है, तो इसको लोग निरर्थक जानते हैं, इसलिए परमेश्वर का दान अब तक उनको नहीं मिला है। बहुत लोग अन्य भाषा बोलने वालों से जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इसलिए भी पवित्र आत्मा का दान उनको नहीं मिला है। तो मैं आज आपको क्या कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा पाने का कारण क्या है, पूछिए प्रभु से। मैं कुछ रीजन जो मैंने आपको शेयर किया अभी बताया मैंने, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, अनुभव है जो मैंने फेस किया, दूसरों को देखा बोलते हुए कि वे क्यों नहीं विश्वास करते हैं, रीजन क्या है, निरर्थक जानते हैं, इग्नोर करते हैं, पूरा बाइबल पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि नहीं खुलती, क्यों हर दिन इग्नोर करते रहते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए है और वो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह देगा, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई चर्च नहीं। इंतजार मत कीजिए कोई हाथ रखेगा सिर पर तभी आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। आपका प्रार्थना, निडर होकर प्रार्थना कीजिए, अपने अधर्मों को, पापों को छोड़कर परमेश्वर के वचन को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अपनी आत्मा आपके जीवन में उंडेलेगा। प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना चाहता है, यीशु का लहू आपको योग्य बनाती है। योग्यता का इंतजार मत कीजिए, मैं आज तैयार हो जाऊंगा, कल तैयार हो जाऊंगा, ऐसे करते करते आप कब्रिस्तान चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बाइबल उठाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। यदि आप चाहते हैं
कि पवित्र आत्मा से भरना। आप अपने सिर पर, अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर धन्यवाद। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, फादर इन द नेम ऑफ जीसस, पोर आउट योर स्पिरिट इन देयर लाइफ। हालेलुया। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पिता यीशु के नाम से तेरी आत्मा उंडेल दे इनके जीवन में, तेरी आग उंडेल दे इनके जीवन में, पवित्र आत्मा उंडेल दे इनके जीवन में। हालेलुया। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, पोर आउट योर स्पिरिट, पोर आउट योर स्पिरिट, पोर आउट योर स्पिरिट। हालेलुया। तेरी आत्मा उंडेल दे। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा और आग उंडेल दे इनके जीवन में, इनके शरीर में, इनकी आत्मा में। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे सुनने वालों को, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे, ताकि पाप में गिरना बंद हो जाए, अविश्वास करना बंद हो जाए, संदेह करना बंद हो जाए, ईर्ष्या करना बंद हो जाए। हे परमेश्वर, अभिषेक कर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा और आग से धर्मी जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, विजय जीवन जीने के लिए, उद्धार करता यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं रोज रात को आपसे मिलूंगा, आप जरूर मुझे फॉलो करते रहें, मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा। और यदि आपको कोई प्रार्थना का विषय है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। कोई सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर मैसेंजर में मुझे पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब मैं दूंगा। कोई भी सवाल है, आप बेधड़क मुझसे पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब आपको दूंगा। सो विश्वास करता हूं, जो कुछ मैंने आज आपको बताया, पवित्र आत्मा नहीं पाने का कारण जरूर आपको आशीषित आप हुए होंगे, मैं विश्वास करता हूं। सो प्रभु आपको आशीष दें। आमेन। प्रभु की स्तुति हो।